नमस्कारम। एक बात आई है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। जो है जो यही कहता है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे और अभी के लोग अच्छे नहीं हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कब के लोग अच्छे थे? कौन से पहले के? आज से 3,000 साल पहले की किताब चाइना में रखी हुई है, उसमें भी यही लिखा है कि पहले के लोग अच्छे थे। उससे और पीछे जाओ तो क्या वो लोग अच्छे थे जो द्रौपदी को कीचक छेड़ता है बड़ी सभा में और सभा के सारे लोग मौन हैं? उसका पति जुआ में उससे बिना पूछे दाव लगाकर हार जाता है और धर्मराज युधिष्ठिर कहती हैं लोगों ने। तो जुआ खेलने वाले को धर्मराज कहते हैं, पत्नी को हारने वाले को धर्मराज कहते हैं, वो लोग अच्छे थे? भरी सभा में चीर हरण करता है द्रौपदी का और सभा में बड़े बड़े माने हुए लोग बैठे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज के सामान्य आदमी के सामने कोई किसी औरत को छेड़ के दिखा दे, पता चल जाएगा। और वो तो माने हुए बड़े बड़े, तो कौन सा समय अच्छा था? कौन से लोग अच्छे थे? वो लोग अच्छे थे? आज किसी का पति अपनी पत्नी को भी उसकी बिना मर्जी के नहीं छेड़ सकता है, कौन सा समय अच्छा है? हैं? पूरी महाभारत का जिम्मेदार द्रौपदी को ठहरा दिया, जबकि उसको फुटबॉल की तरह लोग खेलते हैं, उसकी बिना मर्जी के उसे हार जाते हैं जुआ में, उसके साथ मनचाही करते हैं, जो मर्जी जो कर रहा है, कोई दासी बना लिया, किसी ने उसको जुआ में हार गया, और जिम्मेदार भी उसी को ठहरा दिया महाभारत का, अपने कर्म किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तो वो लोग अच्छे थे? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कौन थे जो अच्छे थे, कब थे? अगर सब लोग पहले अच्छे थे तो फिर किसको ये धर्म सिखाया, किसके लिए धर्म की बातें की गई थी? क्यों बुद्ध चिल्लाते रहे कि पाप छोड़ो, बलात्कार नहीं करो? किसको सिखा रहे थे? महावीर अहिंसा की बातें किसको सिखा रहे थे? जब लोग हिंसावादी थे ही नहीं, जब पाप था ही नहीं, किससे कह रहे थे वो पाप नहीं करो, चोरी नहीं करो? पहले से मुझे जो लगता है, पहले से अभी के लोग बहुत विवेकी और बुद्धिमान हैं। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांग दिया, सुकरात को जहर दे दिया, जिसको तुम देवता कहते हो इंद्र, वो कभी भी आता है धरती पे किसी भी औरत का बलात्कार करके चला जाता है, और वो कौन है? वो देवता है। तो वो समय कौन सा था जिसको तुम्हें जो अच्छा लग रहा है? ये सब मन के भागने की, मन को भरमाने की व्यवस्थाएं हैं कि पहले के लोग अच्छे थे। जो 25-30 साल का हुआ वो बचपन अच्छा था, बहुत बचपन में ये वो, और जब बचपन में था तो कोई इधर चाटा मार जाए, कोई इधर चाटा मार जाए, तो उसे लगता था कि बचपन ही सबसे कष्ट देने वाला है, बड़ा होऊंगा तो सबसे बदला लूंगा, तो उसे बचपन सबसे बुरा लगता था। स्कूल जाने की झंझट, तमाम तरह की झंझट ही झंझट। अब बड़े हो गए तो बचपन अच्छा लग रहा है, फिर बूढ़े होते हैं तो यौवन अच्छा लगता है। अरे जवानी में हमारे ऐसे जलवे थे। ये सब पलायनवादी लोग हैं जिनको वर्तमान से भागने का बहाना चाहिए, उन्हें कुछ करना ना पड़े प्रेजेंट में, इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। वरना वर्तमान का समय सबसे अच्छा समय है। इस समय अभी तो हम सदियों से युद्ध ही लड़ते रहे, महाभारत, उसके बाद में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध,
ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो युद्ध ही लड़ती रही हैं शुरू से लेके अभी तक। अब थोड़ा अच्छा समय आया है, इससे अच्छा और समय क्या होगा। तो आज का समय और आज का आदमी बहुत विवेकपूर्ण है, और इसी समय में हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बकाया सब झूठी और भागने की कायरता की बातें हैं। धन्यवाद।